मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप निराशा में हैं, बहुत तरह की निराशा आपके जीवन में हो सकती है। किसी के पास बीमारियां हैं, किसी के पास कर्जे हैं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बहुत तरह की बीमारियां, अपने परिवार की समस्याओं को लेकर, अपने परिवार के बोझ को लेकर, उनके ऊपर परिवार का बोझ है, बहुत तरह की चिंताएँ निराशा आपके जीवन में हो सकती है। तो यदि आज आप लोग इन वचनों को सुनेंगे, इन वचनों को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, इन वचनों का अंगीकार करेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी हर एक निराशा को, आपकी हर एक चिंताओं को, दुखों को प्रभु दूर कर देंगे। आप लोग विश्वास करें इन वचनों पर और डेली इस वचन को प्रार्थना में शामिल करें, अंगीकार करें, वचनों का मनन करें। तो चलिए हम आपको इन वचन को बताते हैं। हम पहला वचन निकालते हैं अय्यूब अध्याय 5 पद संख्या 11। वहाँ लिखा है, दीनों को ऊपर उठाता है और दुखियों को सुख शांति देता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन, हमेशा इन वचनों को अपने जीवन में याद रखना है। प्रभु कहता है, प्रभु दीनों को ऊपर उठाता है। यदि आज अपने आप को आप नम्र करेंगे, दीन बनाएंगे, तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। आपके जीवन में जितने भी दुख चिंताएं हैं, प्रभु आपको उन दुख चिंताओं से आज़ाद करेगा, आपके जीवन में शांति देगा। मेरे प्यारे मसीह, आप लोग प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करें और इन वचनों का अंगीकार करें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमको ऊपर उठाएगा और हमको सुख शांति देगा। तो आप लोग जरूर अपने जीवन में शांति को महसूस करेंगे। आप लोग प्रार्थना में इन वचनों को जरूर शामिल करें। दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। आज बहुत सारे लोग जो निराशा में रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमको संभालने वाला, हमको दिलासा देने वाला, हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है अपने वचनों में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। यदि आज आप दुखों में हैं, आपका मन टूट चुका है, आपकी हर चिंताओं को लेकर, आपकी समस्याओं को देखकर, तो प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आप लोग विश्वास करें, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ प्रभु यहोवा परमेश्वर हैं। आप लोग विश्वास करें, जहाँ जहाँ आप जाते हैं प्रभु हमेशा आपके साथ रहता है। वो आकाश से दृष्टि दौड़ाता है और आपके पर नज़र बनाए रखता है। आप लोग कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। अगला वचन है फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6। किसी बात की चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस बोलता है कि किसी बात की चिंता ना करें, वरन हर एक बात में प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। यदि आज आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी चिंताएं हैं, किसी बात की चिंता आपके जीवन में, तो उस चिंता को प्रभु के सामने रखें कि प्रभु हमारे जीवन में ये चिंता है, इस चिंताएं को हमारे जीवन से दूर कर, हमारे जीवन से निकाल। धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपके जीवन से उन चिंताओं को, उन निराशा को आपके जीवन से निकालेगा, हर एक दुखों को आपके जीवन से निकालेगा, आपको फ्री करेगा, आपको आज़ाद करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग जरूर प्रभु के सामने अपने निवेदन को रखें। पहले धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, उसके बाद अपने निवेदन को रखें, प्रभु आपको जरूर आज़ाद करेगा। अगला वचन है संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप लोग नहीं मांगेंगे, आप लोग देखेंगे, इंतजार करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमको दुखों से आज़ाद करेगा, निराशाओं से निकालेगा, ऐसा नहीं होगा। यदि आप लोग अंगीकार नहीं करेंगे, यदि आप लोग प्रभु से नहीं मांगेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, नहीं मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। आप लोग मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। आप खटखटाएंगे तो प्रभु आपके लिए खोलेगा। यदि प्रभु एक बार में आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो आप बार बार प्रार्थना करें, वही प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें, प्रभु जरूर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको उन दुखों से आज़ाद करेगा। आप ढूंढोगे तो पाओगे, आप कोई भी चीज़ को खोजोगे तभी प्रभु आपकी सहायता करेगा और वो चीज़ आपको देगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग मांगना चालू करें। जो भी दुख चिंताएं हैं, प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के सामने उन दुखों चिंताओं से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, कर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखिए और प्रार्थना में मांगिए कि प्रभु हम इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। प्रभु आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और वो सत्य प्रतिज्ञ है। वो मनुष्य नहीं है जो कि वादा करके भूल जाता है, वो पिता परमेश्वर यहोवा
परमेश्वर अपने वचनों का हमेशा स्मरण रखता है और अपने वचनों को पूरा करता है। आप लोग विश्वास करें और प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।